हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे के ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप अपने ग्राम पंचायत की विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपके सरपंच के द्वारा क्या क्या काम किया गया है, कितने रुपये की राशि दी गई है किसी भी काम के लिए, और कौन कौन सा काम पेंडिंग में है जिसके लिए राशि निकाली गई लेकिन कार्य नहीं किया गया, इस प्रकार की समस्त जानकारी आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको अपने मोबाइल पर ऑनलाइन देखना है कि आपके सरपंच के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया है और कितने रुपये का कार्य किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारी पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल पर आ जाना है। यहाँ पर मोबाइल पर आने के लिए आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है पंचायत दर्पण। ठीक, पंचायत दर्पण टाइप करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगी prd.mp.government.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसकी डायरेक्ट लिंक हम आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरव्यू आ जाएगा। यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे ग्राम पंचायत की वेबसाइट, दोस्तों आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट देखे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो इसमें से देख लें। डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने के बाद, जैसे कि मैंने फर्स्ट चॉइस के लिए, इसके बाद आपको जनपद यानी कि ब्लॉक चुन लेना है। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत चुन लेना है। ग्राम पंचायत चुनने के बाद आप ग्राम पंचायत की वेबसाइट डैशबोर्ड पर देखें पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से अब नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, और यहाँ पर आपको सचिव, रोजगार सचिव, अगर आपके पास अभी सरपंच वाले चुनाव नहीं हुए हैं ग्राम पंचायत वाले, तो ऐसे में आपका सरपंच का भी नाम नहीं आएगा, अभी आपका सचिव और रोजगार सहायक का नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर खाते की जानकारी मिल जाएगी, और इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको निर्माण कार्य, कुल प्राप्तियाँ, सीसी रोड, सड़क, पक्की नाली आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप जो भी इसमें से जानकारी लेना चाहते हैं आप ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि अगर पक्की सड़क की जाए तो यहाँ पर आपको सड़क के बारे में मिल जाएगा, जहाँ पर ग्राम का नाम, कार्य का नाम, योजना और कार्य में कितनी राशि लगी हुई है, और बिल और ग्राम पंचायत द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने पंचायत के प्रत्येक काम की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पंचायत की समस्त जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।